एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो फाइनली सलमान खान को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, सलमान खान क्या काम करने वाले हैं अटली कुमार डायरेक्टर के साथ? जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर बहुत खबर फैल रही है, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप तक ये खबर पहुँचाई जाए। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि जवान मूवी, जी हाँ दोस्तों, जवान मूवी जिस लेवल का सुपरहिट हुई है, बोले तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे पूछो ही मत। मतलब कि शाहरुख खान को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था दो दो कैरेक्टर में, जी हाँ दोस्तों, अब बाप बेटे वाला जो कैरेक्टर किए शाहरुख खान ने, जो यार मास लेवल वाली मूवी बनाई ना वो जवान अटली कुमार ने, यार मज़ा आ गया था ऑडियंस को देख के दोस्तों, और पब्लिक को अच्छी खासी मतलब कि लगी ये मूवी दोस्तों। तो गाइस, कहीं ना कहीं अटली कुमार की बात करें तो अटली कुमार की जितनी भी फिल्में आप देखोगे थालापति विजय के सर के साथ, जैसे कि थेरी हो गया, उसके बाद मैरसल हो गया, उसके बाद बिगिल हो गया, ये सब सारी फिल्में आप देखोगे तो फुल मास मूवी थी दोस्तों, और टर्न एंड ट्विस्ट के साथ वो स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यार मतलब कि जब से ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे मैंने देखी कि अटली कुमार और सलमान खान की मूवी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है, बर्थडे के मौके पे, सलमान भाई के बर्थडे के मौके पे दो दो बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, एक तो द बिग बुल और सेकेंड दोस्तों ये अटली कुमार के साथ। तो यार सुन के ही मैं हिल गया, बोला तो यार अटली कुमार साथ सर के साथ सलमान भाई काम करेंगे, यार बोले तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो अटली कुमार के साथ वो काम करने का जो डिसीजन है सलमान खान का, ये बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँगा कि ऐसे ही आप साउथ के डायरेक्टर के साथ ही काम करो, आप अटली कुमार हो गए, अभी विष्णुवर्धन के साथ काम कर रहे हो वो तो कन्फर्म है, लेकिन दोस्तों अभी जो अटली कुमार वाला है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि 27 दिसंबर का बर्थडे है भाई का, तो यार भाई का बर्थडे का दिन कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है 27 तारीख को दोस्तों। ज़्यादा वक्त नहीं है, 23 या 24 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, तो यार वेट करते हैं भाई के बर्थडे के मौके पर, भाई अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट देंगे दो दो फिल्म अनाउंसमेंट करके दोस्तों। तो यार वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं अटली कुमार के साथ सलमान भाई काम करेंगे। तो सोचो कि सलमान भाई को जब शाहरुख खान को उस लेवल का उन्होंने प्रेजेंट किया, एक एक्शन हीरो बनाया, तो यार भाई तो खुद एक एक्शन हीरो है, तो आप सोच सकते हो कि भाई को किस तरीके से वो प्रेजेंट करेंगे, इस सोच के ही ना यार गुजबम आ रहे हैं, मतलब कि भाई यार अलग लेवल में भी दिखेंगे वो एक्शन करते हुए दोस्तों। और द बुल की बात करें तो द बुल मूवी भी यार एक रियल स्टोरी है, जहाँ पे सलमान खान एक नए अवतार में दिखने वाले हैं दोस्तों। तो यार दोनों फिल्मों को लेके क्रेज़ तो बनेगी, और द बुल को लेके तो अभी से ही क्रेज़ है दोस्तों। तो गाइज, आपके हिसाब से क्या लगता है, अटली कुमार के साथ सलमान भाई को काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप हमें ज़रूर कॉमेंट्स में बताएँ, और आप कितना एक्साइटेड हो भाई की नेक्स्ट मूवी को लेके ये भी आप हमें कॉमेंट्स में बताएँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।